तेलंगाना के एक नेता के बलात्कारी पुत्र को वाड़ी पुलिस ने सिने स्टाइल में पकड़ा। केवल 5 दिनों में तेलंगाना का आरोपी वाड़ी पुलिस व अम्बाजारी पुलिस ने पकड़ने से पुलिस की सराहना हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजोला गांव पुलिस स्टेशन हदनूर जिला संगरेड्डी राज्य तेलंगाना निवासी योगेश्वर पांडुरंग पाटिल उम्र 21 बलात्कारी आरोपी बताया गया। आरोपी BBA की पढ़ाई करता है। बताया गया कि छात्र भी LLB की पढ़ाई कर रही है। लड़का व लड़की दोनों एक बड़े फैमिली से आते हैं। छात्र तेलंगाना के मड़के गांव जिला पट्टनचूरू में 5 से 10 तक पढ़ी है। यही पर आरोपी योगेश्वर की पहचान हुई। यहां से उच्च शिक्षा के लिए लड़की नागपुर आकर विधि न्याय की शिक्षा ले रही है। एक हॉस्टल में रहती है। आरोपी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ आता था। पुरानी पहचान होने से उसने लड़की के एक फ्रेंड से उसके घर का मोबाइल नंबर लिया और घर वालों से बात करने लगा। जब यह बात लड़की को पता चली तो लड़की ने डर के मारे अपना मोबाइल नंबर आरोपी को दिया व बात करने को बोला। इसी का फायदा लेकर आरोपी लड़की को फोन करने लगा। बात नहीं करने पर घर पर बताने की धमकी दे रहा था। मामला प्रेम में परिवर्तित होते गया। जुलाई व नवंबर 2019 को आरोपी ने लड़की को 2 बार सूराबर्डी के टेकरे पर ले जाकर बलात्कार किया। अपने मोबाइल में सेल्फी भी ली, कुछ अश्लील फोटो भी लिए। बार बार लड़की को आरोपी परेशान करते रहा। लड़की की इच्छा नहीं होने के बाद भी उसे जबरन घूमने चलने को कहता था। नहीं आने पर अश्लील फोटो को घर वालों के मोबाइल पर भेजने की धमकी देता था। इससे परेशान लड़की ने घर को सारी बातें बताई। परिवार के लोगों ने आरोपी को समझाया कि आगे लड़की को परेशान नहीं करना, लेकिन आरोपी ने उल्टा परिवार को ही धमकी दी। पानी सर के ऊपर जाने से लड़की के पिता ने सीधे वाड़ी थाने में 9 मार्च 2020 को शिकायत दर्ज की। इस मामले को गंभीरता से लेकर वाड़ी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की। पीड़ित लड़की के माध्यम से आरोपी को मैसेज देकर बुलाया गया। आरोपी के मोबाइल का CDR निकालने के बाद पता चला कि वह नागपुर आया। आरोपी शातिर होने से 3-4 दिन पुलिस को चकमा देते रहा। 5वें दिन पीड़िता ने आरोपी को फोन कर अमरावती राजमार्ग कैंपस बस स्टॉप पर बुलाया। बस स्टॉप पर वाड़ी की महिला API रेखा संगपाल, PI दीपक पाटिल, NCP अनंता नान्ने, नारायण पारेकर व अम्बाजरी पुलिस के दीपक अवचट ने पहले से ही सिविल ड्रेस पर तैनात थे। आरोपी लड़की को मिलने आया, वैसे ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। शनिवार को उसे कोर्ट के सामने खड़ा किया गया। कोर्ट ने उसे FIR भेज दिया। आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(n), 354(5)(7), IPC सहकलम 67(e), 67(a) सूचना कानून के तहत मामला दर्ज किया। DCP विवेक मासा, PI राजेंद्र पाठक के मार्गदर्शन में सेकंड PI दीपक पाटिल, महिला API रेखा संगपाल, NPC अनंता नान्ने, नारायण पारेकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। न्यायालय ने आरोपी को 5 दिन के PCR पर भेजा है। तेलंगाना का नेता पुत्र आरोपी है। सूत्र ने बताया कि आरोपी योगेश्वर एक बड़े पार्टी के नेता का पुत्र है। इसे बचाने के लिए राजकीय दबाव भी हुए, लेकिन पीड़ित लड़की भी एक पुलिस अधिकारी की रिश्तेदार होने से मामला नहीं दब पाया। इन BCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। वाड़ी पोलीस स्टेशन इथे 9 तारखेला पहले विक्टीम ने कंप्लेंट दिली तिच्या पालकांसहित येऊन, तर त्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही गुन्हा नोंद केला। गुन्हा 354(376)(2)(n), 3507 आणि त्याच्यासोबत माहिती तंत्रज्ञान कायदा 66(e) आणि 67(a) अन्वये गुन्हा दाखल झाला। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जो आरोपी होता यामध्ये पाहिजे आरोपी, तर तो आरोपी तेलंगणाचा होता, त्यामुळे आरोपीला पकडणं तसं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठं आव्हान होतं। पण आम्ही वरिष्ठांबरोबर, आमच्या माननीय वरिष्ठांबरोबर चर्चा केली आणि मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपीला पकडण्यासाठी थोडंसं म्हणजे युक्तिबाज एक कल्पना म्हणजे योजना आम्ही अंमलात आणली आणि त्यासाठी आम्हाला माननीय म्हणजे वरिष्ठांचं सहकार्य पण लागलं। आम्ही थोडी माहिती काढली विक्टीमकडून की तो नागपूरमध्ये येऊ शकेल का, कारण तेलंगणामध्ये जाऊन त्याला पकडणं म्हणजे इतकं सोपं नव्हतं। मग त्या अगोदर आम्ही एक प्रयत्न करून पाहिला की तो नागपूरमध्ये जर आला तर हे आमच्यासाठी अधिक सोयीचं होईल। मग त्यानुसार आरोपी नागपूरमध्ये येण्याची शक्यता वाटली आणि मग त्याला आम्ही विक्टीमच्याच मोबाईलद्वारे SMS टाकले आणि नागपूरमध्ये बोलावून घेतलं। तर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये आमचा स्टाफ माननीय ओपनींच्या मार्गदर्शनाखाली पोनी आमचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील सर, आम्ही आमचे अनंता नाने पोलीस शिपाई, नारायण असे आम्ही मिळून आणि अंबाझरी पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI सरांनी पण आम्हाला याच्यामध्ये सहकार्य केलं। त्यांचा स्टाफ सिव्हिलवरती पाठवला आमच्यासोबत आणि आम्ही युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये ज्या गेटच्या बाहेर बस स्टॉप आहे तिथं आम्ही सिव्हिलवरती पाळत ठेवली।
त्या ठिकाणी विक्टिमच्या बाजूला मी सिव्हिल ड्रेसमध्ये म्हणजे इकडे तिकडे फिरत होतो, तर लक्ष ठेवून होतो की आरोपी भेटायला आला की आपण तिथं त्याला पकडायचं त्या ठिकाणी. आणि ठरल्याप्रमाणे नियोजन व्यवस्थित होतं. आमचे पाटील साहेब पेट्रोलिंग करत होते गाडीतून आणि आम्ही दोघं तिघे आजूबाजूलाच थांबलो होतो. मी तर त्या मुलीच्या अगदी जवळच थांबली होती. म्हणजे जे पण काही हालचाली होतील त्याच्यावर आमचं बारीक लक्ष होतं. मग हळूच मला सांगितलं की बाबा असं असं तो मुलगा आलेला आहे, तर मग आम्ही त्याचा फॉलोअप घेतला आणि त्या दरम्यान आमचा जो स्टाफ होता त्यांनी त्याला त्या ठिकाणी पकडलं. तर मग आम्ही पकडून लगेच दाखवलं तर तो हाच मुलगा आहे. मग हे क्लिअर झाल्यानंतर आम्ही त्याला गाडीत घेऊन ताब्यात घेतलं आणि पोलीस स्टेशनला आणलं पुढील चौकशी कामी. मग आम्ही इंट्रॉगेट केलं त्याच्याकडे, त्याने त्या गुन्ह्याची कबुलीही दिली त्यामध्ये की त्याने असं असं कृत्य केलेलं आहे तिच्यासोबत वगैरे. आणि मग त्या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक केलेली आहे आणि आज त्याला रिमांडकामी पोलीस कोठडी रिमांडकामी मान्य न्यायालयात हजर केलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहोत. याच्यामध्ये मी सहतपासी अधिकारी आहे आणि याचा मुख्य जो तपास आहे हे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील साहेब करत आहेत.